रोहताश जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतना अच्छा शिविर लगाया है आपने। मैं जानना चाहता हूँ इसमें जो आप ये शिविर लगा रहे हैं किस आपका उद्देश्य क्या है, आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल के माध्यम से आप हमारे से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सीनियर सिटीज़न लोग जिनको आँखों में या कानों में जो दिक्कतें होती है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, क्योंकि कोरोना के काल के अंदर काफ़ी दिक्कतें आई हैं हर तरह से। तो हमारे कुरीति साहब के दिमाग में ये भी आया कि आँखें जो मैक्सिमम जो है ना सीनियर सिटीज़न लोगों की या कानों में जो सुनने की दिक्कत आते 90-95% लोग जो है ना सीनियर सिटीज़न के होती है। तो कुछ लोग ना अपने सीनियरों को जो है ना नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके माध्यम से ये है कि 1000-2000 जो भी यहाँ पर अपने चश्मे वगैरह है या कानों का मशीनरी वगैरह है उसको फ्री वितरण करें। तो उसमें बहन मीनाक्षी लेखी जी का, हमारी जो सांसद है उनका बड़ा आभार है, उनके माध्यम से ये सारा सिस्टम बना हुआ है। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे वजीरनगर में भी करवा रहे हैं, तो ऐसे कुछ आगे जैसे चौपाल हुआ या बाऊ पार्क वहाँ पर भी? हाँ, करेंगे हमारे को इसका अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम आगे इसका प्रयास करेंगे, गाँव के अंदर भी और कॉलोनी के अंदर भी इसको आगे इसका बढ़ावा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस कार्य से आने वाले चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, चुनाव में फ़र्क पड़ेगा, और चुनाव से तरह से इसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक सबसे मेन बात है मानव सेवा। मानव सेवा है, मानव सेवा, और एक रूबरू हो जाते हैं आप पब्लिक के साथ। धन्यवाद रोहताश जी मेरे चैनल पर।